क्या एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होंगे उपेंद्र कुशवाहा? आखिर कुशवाहा के खीर से बिहार में सियासी बेचैनी क्यों है? वैसे तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में जाने के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन कुशवाहा के एक हालिया बयान से एक बार फिर उनके पाला बदलने को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल पटना में एक कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन में शामिल होने के संकेत देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यदुवंशियों यानी यादवों का दूध और कुशवंशियों यानी कुशवाहा समाज का चावल मिल जाए तो खीर बढ़िया होगी और इस स्वादिष्ट व्यंजन को बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। कुशवाहा ने इशारों में कह दिया कि अगर आरजेडी और आरएलएसपी एक हो जाती है तो 2019 में वो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी गठबंधन को हरा सकते हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में शामिल होने के संकेत पर आरजेडी ने खुशी जाहिर की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए उनके बयान का स्वागत किया है। अपने ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा है, निसंदेह उपेंद्र जी, स्वादिष्ट और पौष्टिक खीर श्रमशील लोगों की जरूरत है। पंचमेवा के स्वास्थ्य वर्धक गुण न केवल शरीर बल्कि स्वास्थ्य समता मूलक समाज के निर्माण की भी ऊर्जा देते हैं। प्रेम प्रभाव से बनाई गई खीर में पौष्टिकता, स्वाद और ऊर्जा की भरपूर मात्रा होती है। ये एक अच्छा व्यंजन है। वहीं महागठबंधन में शामिल होने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर तंज कसते हुए जेडीयू ने उन्हें एनडीए में ही रहने की सलाह दी। जेडीयू ने कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा दूध और चावल मिलाकर खीर बनाएंगे तो वो एक मीठा पदार्थ बनेगा जिससे शुगर की बीमारी हो सकती है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ऐसे में जरूरी है कि मीठा न खाकर नमकीन खाया जाए जिससे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती। जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा के इस तरह के बयान से बिहार में सियासी बवाल मचना लाजमी है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाने का फैसला कब लेते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।